देखिए, ये तो बेतुकी बातें हैं। जब उनको पता है कि वो एक प्रत्याशी है, और केवल प्रत्याशी का बात नहीं होती है, वो तो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, तो अगर मंडी के मामा चाचा ताया के घरों में आपदा आई है, कईयों के आंगन बह गए, कईयों की सड़कें बह गई, कईयों के बगीचे बह गए, तो केवल यहाँ की बेटी होने के नाते क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो यहाँ के लोगों की दुख सुख जानने के लिए आएँ? आज केवल चुनावों के समय में आकर इस तरीके की बातें करना, और वो बताएं, प्रतिभा सिंह जी ने हर क्षेत्र का दौरा किया है, चाहे वो सरकाघाट है, चाहे वो थुनाग है, चाहे वो बाली चौकी है, चाहे वो बंजार है, चाहे वो द्रंग के दूर दराज के इलाके हैं, हर क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, और जितना सहयोग वो अपने निजी कोष से भी और साथ ही साथ सांसद निधि से भी जो कर सकती थी वो करवाया, सरकार से जो हम कर सकते थे हमने सरकार से करवाया। तो ये चीज़, इसका फैसला आने वाले समय में प्रदेश की जनता ने और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है। ये देखिए, रेस्ट ना करना और करना, पहले तो अभी तक हमारा प्रत्याशी तय कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक है क्योंकि प्रतिभा सिंह जी यहाँ से सांसद है, तो क्या निर्णय पार्टी की हाईकमांड लेती है, हमें उस चीज़ का इंतज़ार जो है वो करना है। बाकी जहाँ तक रेस्ट करना है नहीं करना है, ये फैसला जो है वो प्रदेश की जनता और जो इलाके की जनता है वो इस चीज़ को तय करती है। 6 तारीख को जो है इसकी बैठक दिल्ली में रखी गई है, और मोस्ट लाइकली जो है 6 तारीख को ही या 7 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी, जिनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर जब भी वो मंडी आते हैं तो ये यहाँ की मंडियाली भाषा में यहाँ पे लोगों को उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, और कभी जो है सेपू बड़ी की बात होती है, कभी और किसी चीज़ की बात होती है। उसी तरीके से अब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का प्रत्याशी होना बहुत समय से घोषित था कि आप यहाँ की प्रत्याशी भाजपा की होंगी, आप आपदा के समय में किन किन क्षेत्रों में भाजपा की जो प्रत्याशी है वो गई है, इसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने उनको जनता के सामने रखनी चाहिए। इस बयान से हम पलटे, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, जो हमने बात कही है उसको हम पूरी मजबूती से कहते हैं। हम उनकी तरह नहीं हैं कि ऊपर से एक मोदी का एक फ़ोन आ गया और जो है अपना सुर बदल दिया। मैं जो कहता हूँ पूरा ठोक बजा के कहता हूँ, और जो कहा है उस पर हम पूरी मजबूती से खड़े भी हैं। ये ज़रूर है कि ठीक है, मैंने ये चीज़ कही थी पहले कि कुछ हमारे कुछ पार्टी की बातें थी जिन मसलों को मैंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है, और कांग्रेस पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रख सकती है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख सकती है, पार्टी अध्यक्षा के समक्ष भी रख सकती है, और मैंने निष्पक्षता से अपनी बात को रखा, और उसके बाद जब उन्होंने उसको एड्रेस किया है, देन आई हैव वी आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। इस तरीके से तो नहीं है कि हमको भाजपा में तो ये हाल है कि कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री भी अपनी आवाज़ नहीं रख सकता है। जयराम जी कभी यहाँ की आवाज़ को बेबाकी से केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रख पाए, यहाँ के हितों की रक्षा मोदी जी के समक्ष नहीं कर पाए, मगर हमारे अंदर हमारे पार्टी में ये अधिकार है कि हम पूरी मजबूती से अपनी बात को अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास रख सकते हैं।